एल्बम कई मार्केट में है और सोशल मीडिया पर भी बराबर एक्टिव रहते हैं। पहली एल्बम मेरी थी वो जागरण पर मैं माँ का गीत गा करके शुरुआत किया था और जिसकी रिकॉर्डिंग दिल्ली में हुई थी, जगराता माइक, एक भोजपुरी एल्बम था वो, पहला मेरा था जगराता माइक। उसके बाद मेरा दूसरा एल्बम था मैया के ललकी चुनरिया। फिर उसके बाद मैंने लोकगीत गाए, कई देवी गीत, गज़ल वगैरह मेरे खुद कुछ बनाता हूँ कुछ। जो आपकी नज़र में सबसे सुपरहिट आपका एल्बम रहा हो, दुल्हन जरा सा दुल्हना, शायद दर्शकों के बीच में? अरे आइल बानी माई हम तो हरी दुवरिया, अरे फिर तू है माई तनी हम पे नजरिया, अरे ममता के हो बजरिया में कि हे मोरी मैया आ जाई तू हमरे गांव नगरिया में, हे मोरी मैया आ जाई तू हमरे गांव नगरिया में। गांव का एक बालक है, वो माँ के दरबार में जाके स्तुति करता है माँ से कि बिंध्या चल के बिंध्य भवानी, अष्टभुजा काली कल्याणी, कौशाम्बी के कड़े शीतला, हे माई मुंबा हे माँ जीवदानी, अरे सब ही तो मन में लावे असरवा, आ जाई तू माई हो बेटा के घरवा, नाते ही ते सहरिया में, हे मोरी मैया आ जाई तू हमारे गांव नगरिया में। ऐसे ही है तमाम इसके अंतरा। तो और ज़्यादा आपके गाने जो हैं भोजपुरी में ही हैं। नहीं, मैंने गज़ल भी लिखा है और भोजपुरी लोकगीत भी है। हमेशा से भावपूर्ण गीत ही मैं लेकर के चला हूँ अपने इस। अगर गजल की बात करें तो थोड़ा सा दो लाइन गजल आप बता दें जो बहुत अच्छा लगा हो आपको, जो आपके हिसाब से बहुत अच्छा आपने गाया हुआ है। एक गज़ल है मेरी प्यारी रचना है, इसको मैंने लिखा है, ये गज़ल महफिल के नाम है। के गीत हो या गज़ल साथ में आप भी, हो सके तो जरा गुनगुना लीजिए, गीत हो या गजल साथ में आप भी, गीत हो या गजल साथ में आप भी, हो सके तो जरा गुनगुना लीजिए, हो सके तो जरा गुनगुना लीजिए, गम मिटाने की है ये अनोखी दवा, गम मिटाने की है ये अनोखी दवा, आइए आइए आजमा लीजिए, गीत हो या गजल साथ में आप भी। एक अंतरा भी इसका सुनाना चाहूँगा कि मैंने माना के है आप पर्दा नशीं, हंस न पाए तो बस मुस्कुरा दीजिए, हंस न पाए तो बस मुस्कुरा दीजिए, मैंने माना के है आप पर्दा नशीं, हंस न पाए तो बस मुस्कुरा दीजिए, हंस न पाए तो बस मुस्कुरा दीजिए, दर्द दिल दर्द गम, दर्द दिल दर्द दिल, दर्द दिल की दवा बांटता हूँ सदा, आपको चाहिए तो बुला लीजिए, गीत हो या गजल साथ में आप भी। क्या संदेश देना चाहेंगे मेरा आप? भाव अगर जानना चाहेंगे इस पे, तो मैं घोर पुरजोर विरोध करता हूँ इसका, ये गलत है। घर है, परिवार है, संसार है, अपनी नगरी है, तो इस तरीके से कोई मंच पे ऐसी बात न लाई जाए कि जिससे जो है समाज में तमाम तरह की जो बातें हैं आज फैल रही हैं लोगों में, हमारे
हमारी जो युवा पीढ़ी है खास करके, तो दुनियादारी तो सब जानते हैं, लेकिन जो एक मंच के माध्यम से स्टार लोग गलत तरीके से आज भोजपुरी को एक लोग गलत भाषा कहना चालू कर दिए हैं, अगर इन लोगों की मनसा अगर इस पे अच्छी हो तो वाकई में भोजपुरी के जैसा कुछ नहीं है। चाहे भरत शर्मा जी हो, मदन राय जी हो, शारदा सिन्हा जी और बड़े भाई मनोज तिवारी जी हैं और तमाम ऐसे लोग हैं जो भोजपुरी को एक लाइन दिए, लेकिन आज जो है कुछ ऐसे गायक फैल गए, मैं नाम तो नहीं लूँगा, कि वो लोग अश्लील गा गा करके भोजपुरी को नीचे गिराने की कोशिश कर रहे हैं। और हालांकि मैं तो भजन लोकगीत गज़ल गायक हूँ और मैं अश्लील गानों का जो है घोर विरोध करता हूँ हमेशा। देखिए, भोजपुरी को अगर आगे ले जाना है तो अपने मन मस्तिष्क आत्मा में जो सर्वोत्तम शक्तियाँ हैं उसमें सोधी मिट्टी की महक होनी चाहिए पहली बात, और अपने संस्कारों को जिंदा रखते हुए लोगों को अपने मंच के माध्यम से जो अच्छी बातें हैं उसको समाज में रखा जाए तो भोजपुरी आगे जाएगी, नो डाउट। यदि इसी तरह से ऐसे होता रहेगा तो अवनति होगी बजाय उन्नति की। खेल तो मैं किसको बताऊं, जो मेरे गुरु थे वो जनपद जौनपुर के स्वर्गीय राकेश पाठक मधुर जी, वो मेरे गुरु थे, और बाकी जो भी हैं सब प्रेरणा स्रोत के रूप में हैं, यही सच्चाई है।